आगाज करता हूँ अल्लाह के नाम से मैं हूं तनवीर अनवर और आप देख रहे हैं तनवीर आइडियाज़ मेरी ये वीडियो ग्रेड थ्री की इंग्लिश के यूनिट नंबर इलेवन टू दी की एक्सरसाइज पर है। दैरल कम्युनिकेशन से आगाज करते हैं लर्निंग द साउंड ब्रेक द सिलेबल्स एंड शेयर इट विद क्लास दो काम करने हैं एक इन वर्ड्स को सिलेबल्स में ब्रेक करना है और इनको क्लास के साथ शेयर भी करना है पाइन एप्पल पाइन एप्पल तीन सिलेबल है तीन में ब्रेक करेंगे इस वर्ड को स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी भी तीन जो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे रेडिशेस रेडिशेस को भी हमने तीन सिलेबल्स में ब्रेक करना है क्यू बर को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड करना है या ब्रेक करना है रीड मी को पढ़ लेते हैं इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन सिलेबल एक प्रोनाउंसिएशन का यूनिट होता है एवरी वर्ड इज मेड ऑफ सिलेबल्स हर वर्ड सिलेबल से बनता है हर लफ्स सिलेबल से बनता है ईच वर्ड हैज वन टू थ्री और मोर सिलेबल्स हर लफ्ज एक दो तीन या तीन से ज्यादा सिलेबल्स रखता है एवरी सिलेबल हैज लीस्ट वन वाउल और वाउल साउंड फैमिली फैमिली इसमें आप देखिए तीन वाउल है एक ए भी है, आई भी ए, वाई है वाई है वाई शॉर्ट आई की इधर साउंड देती है सो so, इधर तीन सिलेबल्स है तीन सिलेबल है क्यों तीन है क्योंकि तीन वॉल्स है बनाना बा ना ना तीन सिलेबल है नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग टू स्पीक है प्रनाउंस सिंपल वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स साइलेंट लेटर वाले ये सिंपल वर्ड्स प्रनाउंस करने हैं नाइफ नाइफ में के साइलेंट है लिसन लिसन में टी साइलेंट है राइट right, राइट right में डब्ल्यू साइलेंट है हाई हाई में जी साइलेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीक एंड आइडेंटिफाई द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स ये दिए गए अल्फाज हैं इनमें क्या हमने आइडेंटिफाई करने हैं साइलेंट लेटर्स उनको बोलना भी है नाउ नाउ में के साइलेंट है ब्रिज ब्रिज में डी साइलेंट है अनैस्ट में एज uh, साइलेंट है और में एज साइलेंट है Answer me W silent. Next question I read aloud. Read the poem aloud with actions. We wash our hands. We wash our hands to keep them clean. The cleanest hands we've ever seen. Use soap and water. That's the way to chase those dirty germs away. साइट वर्ड्स हैं से एंड स्पेल द गिवन वर्ड साइट वर्ड ऐसे अल्फाज होते हैं जो नजर के साथ पहचाने जाते हैं सो so, पहले पढ़ते हैं और स्पेलिंग करते हैं इसके रीड राइट स्टेल टेन आर ई ए टी रीड डब्ल्यू आर आई टी ई राइट टी ई डबल एल टेल टी ई एन टेन नेक्स्ट पार्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग रीडिंग कंप्रीहेंशन में एक क्वेश्चन आंसर है देखते हैं हु वुड गेट परफेक्ट टीथ द टोड गाट परफेक्ट टीथ टोड को कामल टीथ मिले थे वट मेड द टोड आ हैप्पी क्रिएचर वट मेड द टोड आ हैप्पी क्रिएचर द स्पेल जस्ट आपने लिखना है द स्पेल मेड द टोड आ हैपी क्रिएचर वाई डिड नॉट द टोड ईट लेस स्वीट्स टोड क्यों कम स्वीट्स नहीं खाता था द टोड डिड नॉट ईट लेस स्वीट्स बिकॉज ही थॉट हिस्टीथ वर्ड टू स्ट्रांग फॉर हिम टी डबल ओर टू है थोड़ा सा मिसिंग है हाउ डू यू थिंक द टोर्स टीथ फेल आपके ख्याल में टोर्ड के टीथ कैसे गिरते हैं ड्यू टू नॉट ब्रशिंग ना ब्रश करने से द टोर्स टीथ फेल ब्रश ना करने से टोड के टीथ गिर जाते हैं आगे एनालिटिकल रीडिंग है स्टोरी रीडिंग है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। Uh, ये पैसेज पढ़ना है और आगे एम सी क्यूज हैं उनका आंसर भी करना है सो so, पहले पढ़ लेते हैं वन सनी मॉर्निंग टू गो टू दार्क विथ हर एल्डर ब्रदर फाद शी पुट ऑन हर फेवरेट यालो शूज एंड लेफ्ट द हाउस ऑन द वे दे फाउंड अ मदर डक विथ थ्री लिटल Ducklings walking along the road. Ella and Fath were very happy to see the baby ducks. She convinced her brother that they must follow the ducks. She wanted to make sure that ducklings got home safely. So, you answer and hain kar hai the correct option. The morning was sunny. Thi. ये आपने पैसेज में से आंसर देख लेने हैं द नेम ऑफ एलास ब्रदर वॉस द कलर ऑफ एलास शूज वॉज येलो एला फाउंड अ डक द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स वर फोर क्योंकि थ्री लिटल डकलिंग्स थे और एक मदर डक थी तो टोटल तो फोर बन जाते हैं Allah wanted to follow those animals because follow because she wanted them to go home safe. like see portal language focus what is a dictionary dictionary ke, a dictionary is a book kitab hai, which has a list of words and their meanings uh, list hoti hai. bunch of words hoti hai and unke meaning it is always in. अल्फाबेटिकल ऑर्डर और हरूफ तजी के जो ऑर्डर है उस तरतीब के साथ होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने ये वर्ड सिक्स दिए गए इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ए बी सी डी ई एफ ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इसको जहन में रखकर आपने इन वर्ड को लिखना है सो ए इधर नहीं है तो बी है बी वाला वर्ड ब्रश लिखेंगे देन सी क्लीन फिर डिके फेल्थी टूथ वॉश आखिर पे आ जाएगा so, वो कैबुल बिल्डिंग है रीड द गिवन वर्ड्स विद मीनिंग एंड लर्न देम बाय हार्ट जबानी इनको याद करना है और इन दिए गए अल्फाज को मीनिंग के साथ पढ़ना है ब्रेक द वर्ड इन सिलेबस कंसल्ट द डिक्शनरी एंड फिल अप दिसिंग मीनिंग मिसिंग मीनिंग को फिल करना है और ब्रेक भी वर्ड करना कर है डिक्शनरी कंसल्ट कर लेनी है सो पहला वर्ड है परफेक्ट परफेक्ट टू सिलेबस एंड टू में ब्रेक करना है वर्ड को परफेक्ट एग्जैक्ट correct in every detail. Felthi, felthi, ये two syllables हैं इसके. Dirty, dirty, गंदा. Uh, spell, spell में एक ही syllable है, so एक ही part में ये आएगा word. To charm, spell का मतलब होता है जादू करना. Bewitch, decay, decay, दो part बनेंगे इसके. डेटोरेशन uh, डिक्लाइन भी इसका मीनिंग आ सकता है डिस्टेस्टफुल डिस्टेस्टफुल तीन सिलेबल बनेंगे तीन पार्ट बनेंगे बैड टेस्ट बुरा टेस्ट डिलइट डिलाइट दो पार्ट बनेंगे टू प्लीज हाईली बहुत ज्यादा खुश होना ग्रामर का पार्ट है रिकोगनाइज दैट साउंड ऑफ ई डी इन द पास फॉर्म ऑफ वर्ड्स इज प्रोनाउंस इन थ्री डिफरेंट वेज ई डी वाले अल्फाज जो पास फॉर्म ऑफ वर्ड होती हैं उनके साथ होते हैं अक्सर सो so, उनको हमने तीन मुख्तलिफ़ में प्रोनाउंस करना है ठीक है आ, मुख्तलिफ वर्ड को मुख्तलफ वेज में प्रोनाउंस किया जाता है जैसे नीडिड और वानटेड ये इसमें आई डी उंड साउंड है ठीक है इड नीडिड डिड वॉन्टिड टा साउंड वाली एग्जाम्पल है आस्क्ड आस्क्ड लुक्ड भी आप कर सकते हैं लुक्ड सो ये वर्ड ये तीनों वर्ड इनके आखिर पर आपने टा साउंड पढ़ना है फिर डा साउंड है बर्स्ड कॉल्ड डा साउंड एंड पे बर्स्ड Called ये दिए गए अल्फाज हैं इनमें ये साउंड जो आपने इड टा डा ये पढ़ी है इसको जहन में रख कर आपने इसको आपने आइडेंटिफाई करना है इस साउंड को आइडेंटिफाई करना है या पहचानना है इन साउंड्स को बताना है कि कौन से वर्ड है जिसमें आई डी आ सकता है डा साउंड आ सकता है टा साउंड आ सकता है सो so, डिलाइटेड आई डी इड डिलाइट डिसाइड इड आई डी इसमें आ जाएगा लाइक्ट लाइक्ट इसमें टा साउंड ट्राइड डा साउंड ट्राइड इंजॉयड इंजॉयड में डा साउंड आगे डब्ल्यू एच वर्ड्स है रीडमी में पहले पढ़ते हैं सिंपल डब्ल्यू एच क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेस्ट स्टार्ट विथ डब्ल्यू एच वर्ड्स वट वेन वेर हुम विच हुए हाउ ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं ये जो क्वेश्चन होते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वो डब्ल्यू एच वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं सो नोट इज द यूज ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड्स इन द गि क्वेस्स इन डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज इन क्वेश्चन में नोट करना है वट इज दिस ये क्या है This is an old camera. ये एक पुराना कैमरा है। When will you go to the zoo? आप चिड़ियाघर कब जाओगे? I will go on Sunday. मैं संडे को जाऊंगा Where is my jacket? मेरी जैकेट कहाँ है? It is in my bedroom. ये मेरे बेडरूम में है। Who is your friend? आपका कौन फ्रेंड है? Hamad is my friend. Hamad मेरा दोस्त है। Whom will you invite किसे आप मद्दू करोगे i will invite all my classmates मैं अपने तमाम क्लासमेट्स को मद्दू करूंगा which color do you like कौन सा कलर आप पसंद करते हैं i like brown color मैं ब्राउन कलर पसंद करता हूं whose watch is this ये किसकी घड़ी है this is mine ये मेरी है Why are you so late? आप इतने late क्यों हैं? I missed the morning bus. सुबह की बस आ, मेरी miss होगी थी. How do you feel now? अब तुम कैसा महसूस करते हो? I am much better now. अब मैं बहुत बेहतर हूँ. Next question है. Change the given statements into wh question forms and practice them. इन uh, जो statements हैं इनको wh question form में चेंज करना है अलीजा वॉन्ट्स टू बाय बुक इसका क्वेश्चन क्या बनेगा बुक। कौन किताब खरीदना चाहता है अलीजा किताब खरीदना चाहती है ये आंसर हो जाएगा माई फ्रेंड्स बर्थडे इज ऑन ट्वेंटी सिक्स वेन इज माई फ्रेंड्स बर्थडे ये क्वेश्चन इसका बनेगा कब मेरे फ्रेंड की बर्थडे है माई फ्रेंड्स बर्थडे इस ट्वेंटी सिक्स इट इज टेन ओ क्लाक अब दस बजे वट इज टाइम इसका क्वेश्चन ये बनेगा वट इज टाइम इट टेन ओ क्लाक माई अंकल माई अंकल्स हाउस इज इन सेटेलाइट टाउन मेरे अंकल का घर सेटेलाइट टाउन में है ये तो आंसर है इसका क्वेश्चन क्या होगा वेयर इज माई अंकल्स हाउस मेरे अंकल का घर कहाँ है आगे बढ़ते हैं बिलो इज अ लिस्ट ऑफ एक्शंस नीचे दिए गए लिस्ट ऑफ एक्शन है ये uh, करना क्या है समाइम्स वी वॉश हैंड्स बिफोर दिस एक्शन बाज बाजात हम इन एक्शन से पहले हाथ धोते हैं समटाइम्स आफ्टर डूइंग दम और बाज बात हम बाद में धोते हैं पुट अ सर्कल सर्कल लगाना है अराउंड द एक्शन दैट वी डू बिफोर वॉशिंग हैंड्स जो हम काम करने से पहले हाथ वॉश करते हैं उन एक्शंस के गिर्द हमने दायरा लगाना है और जो काम हम आ, करने के बाद हैंड्स वॉश करते हैं उनके गिर्द हमने स्क्वायर लगाना है ठीक है सो यूजिंग द बाथरूम इसके गिर्द स्क्वायर लगाना है क्योंकि हम बाद में हैंड वॉश करते हैं ईटिंग से पहले हम हाथ वॉश करते हैं सो हमने सर्कल लगाना है टचिंग योर आइस टचिंग योर आइस से पहले हम आ, हैंड वॉश करते हैं कुकिंग डिनर कुकिंग डिनर से पहले हैंड वॉश करते हैं टचिंग एनिमल्स टचिंग एनिमल्स के बाद हम हैंड वॉश करते हैं क्लीनिंग योर रूम क्लीनिंग योर रूम के बाद हम हैंड वॉश करते हैं कमरा साफ करने के बाद हैंड वॉश करते हैं टचिंग गार्बेज कूड़ा किरकट को टच करने के बाद हम हैंड वॉश करते हैं ब्लोइंग योर नोज नोज साफ करने के बाद हम हैंड वॉश करते हैं टचिंग पेट फूड, पेट फूड को छूने के बाद हम हैंड वॉश करते हैं नेक्स्ट अपोजिट वर्ड्स आर नीडीड टू फिल इन द ब्लैं बिलो नीचे की ब्लैंक्स हैं, इनको अपोजिट वर्ड के साथ फिल करना है अप है तो अप का उल्ट हो जाएगा डाउन ऊपर नीचे रिच अमीर को कहते हैं पुअर गरीब को पुअर इसमें आ जाएगा नाइट रात को कहते हैं और डे दिन को कहते हैं गुड अच्छे का उल्ट हो जाएगा बैड सो बैड इस ब्लैक में आ जाएगा पार्ट है डी राइटिंग लर्निंग टू राइट

तबाह हो जाएंगे देयर विल बी होल्स इन ऑल टीथ तमाम दांतों में होल्स हो जाएंगे लास्ट क्वेश्चन क्रिएटिव राइटिंग पर है एक्सप्लेन इन फ्यू लाइंस ऑन हाउ यू कीप योर रूम क्लीन बताना है कुछ लाइनों में वजाहत करनी है कि आप अपना कमरा कैसे साफ करते हैं सो so, मैंने ये पैराग्राफ लिखा है आई मेक माई बेड एवरी डे आई हैंग अप क्लॉथिज and put my shoes away i put all things back where they belong i dust everything i put all wrappers in the dustbin